यहां से गायब हो जाता है। मैं चलकर देखती हूं ये दरबार में है कि कहीं गायब, इधर उधर गुल छर्रा उड़ा रहा है राम को। मैं तुझको पैसा किस लिए देती हूँ? नौकरी करने के लिए देती हूँ कि घूमने के? अभी मुरी पप्पूरी का भले ए माई बोल, तू हमका सोचे तो लेट हो गए। तो बोल किधर गया था तू? लेकिन हम यहाँ का पैसे खड़ा है यही लागी आगे जुटा देता नहीं के माँ। देखा जरा। अच्छा ये बताइए माँ, आखिर क्या दरबार में किया मेरा रब भरे दरबार में किया मेरा आज मिला जो प्रेमावती को मंत्री, मैंने उनको सौंप करके आई थी। ओ हरामखोर, मेरा राजा बुढ़ा हो गया है और राजपाट ओ मेरी बहन प्रेमावतिया को दे दिया। और मैं बोली तुम जाओ जेल पे बैठा दो, बैठाने पहले किसी जंगल या बगीचे में हरामखोर के ऊपर गोली का निशाना बना दो और ना रहेगा बांस ना बाजेगी। ये तो बहुत गलत किया। तुम जाओ मंत्री और को बुला लाओ, दादा तुमको महारानी नीलमा बुला रही है।
माई का जाई हुआ ही इस खून देते ही का करता है मोबिलिया से के था खून बे ऐसे जो ला बे बेतरा उससे फोन बोल दे फोन कहने में लाज है इससे फोन करोगे हाँ वो है तो ठीक है फोन करके तुरंत बुलाई सी बात बैठ जावा वन टू थ्री सारा काम फ्री छ 6 9 0 कृपया अपना नंबर याद कीजिए कभी कभी नहीं बता रहे नेटवर्क बिल्कुल नहीं बता रहा आपके मोबाइल में पैसा फिर भी चार्जिंग नहीं बता रहा बता भी रहा साला जा करबाम में अंदर समुंदर में गिर रहा है कब्रस्तान से बाहर बता रहा है बाहर क्या बोला रे एमआई कब्रस्तान से बाहर कब्रस्तान के बाहर हरामखोर कब्र छेद के नहीं बोला हराम को जबान पे लगाम लगा के बोल मैं तो मैं तेरे जबान की खोपड़ी ठक्कल खोल दूँ हराम को एमआई आईडिया वाला लगा ही देगी लगा लगा तुरंत लगा हेलो 96 95 0 99 हेलो हेलो जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो आपके कॉल को होल्ड पर रख दिया है कुछ देर प्रतीक्षा के लिए नहीं वरना पिन काट कर लगाइए हेलो हाँ माँ नमस्ते हाँ मैं नेत्र बोल रहा हूँ मैं आपके हाँ अच्छा अच्छा आपको महारानी जी याद कर रही है आप तत्काल हवेली में आइए अच्छा क्यों नहीं हक तो बहुत गाना गा रहा है हमार नमस्ते आज हमार खोपड़ा सही है खोपड़ा नहीं खोपड़ी आज कंप्यूटर सही है कंप्यूटर तुम्हारा सही है ये बता मेमोरी खराब हो गई छोटी बहन किस लिए याद की है एक हम नहीं जानी तू नहीं जानता है ना अब हमारे पास अच्छा सुन सबसे पहले भैया बाबू से हेलो मैं अपने पद से बता दूं उसके बाद हेलो हाँ हाँ क्यों नहीं माँ क्यों नहीं बाबू कि मैं कौन हूँ कहाँ की रहने वाली हूँ मेरा नाम क्या है बाबूजी मेरा नाम प्रेमावती है मैं इसी धर्मनगर की रहने वाली हूँ और मेरे परिवार में मेरा बेटा और मेरे पति जी हैं मेरे पति जी आज ही विदेश के लिए रवाना हुए हैं और मेरे जो सेनापति जी घर में हैं हेलो वो उन्हें हवाई अड्डे तक छोड़ने गए हैं और ना जाने क्या बात है कि मेरी बहन आज मेरा इंतजार कर रही हैं चल रही हूँ बहन के पास उसके बाद जो होगा उसको देखा जाए माँ गुड मॉर्निंग माई ए माइया माँ आइन तो गईन के आए गे रे ओ नहीं साफ साफ कहना तो बतावा था तुहार बिट्टी क्या क्या ओ मेरी बहन बात क्या है मैं तुम्हारे चेहरे पे उदासी देख रही हूँ क्या बताऊँ गुड़िया जब से वो घर छोड़कर गए हैं तब से ना जाने क्यों चेहरा उतरा उतरा सा है चिंता मत करो देखो मंत्री साहब
महाराज को तीर्थ यात्रा पहचाने के लिए गए हैं और ट्रेन पे बैठा करके सुख समाचार लेकर के चल ठीक है बहन, ठीक है। आखिर बात क्या है मंत्री साहब, आप रो रहे हैं, कहे महाराज को वस्त्र घर में तो भूल गए। बताई न पिता बाबू साहब के हम ही मारी है, बताई था कि मरी गए। चुप सा बताई ना, हम पूरा नवाई फोड़ी दी है। महाराणे जी बोलो, मंत्री सुनो, किया खून हिरेंदरी तेरा समझ नहीं पा रही हूँ, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूँ बाबू साहब, आखिर बोलो मंत्री जी बात क्या है? मुझे परेशान कर रहा है, मैं तुम्हें 75 रुपया नहीं बे और दूंगा, अबे चिकना के लिए दूंगा। रुक जाओ, पहले यहाँ से ये जाम जो फंस रहा है इसे निपटाने दो, उसके बाद मैं जितना पैसा कहोगे उतना पैसा दूंगा बेटा। तो अबे साले मैं तेरा भी कहूँ। महारानी जी मेरी बात, अरे बाबू साहब बताओ, बता रहा हूँ महारानी जी, आपका बेटा वीरेंद्र जब मैं महाराज को स्टेशन तक छोड़ने के लिए जा रहा था, उसी रास्ते में उसी जंगल में आपका बेटा वीरेंद्र महाराज का खून कर दिया। हर जाई सब धान दौलत राज पास ले है, तई कौले लाल कबरे बेवा मेरा दीदी मेरी कसम, तू मेरी कसम, तू मेरी
ननिहाल में पढ़ाई करता है। वफादार मंत्री क्या मेरे सामने झूठ बोलेगा? अरे जा निकल जा मेरा घर से, तू अपने दोबारा दिखाना नहीं। हाथ में है मेरे घर में दोबारा तू आना। मेरी सगी बहन है और छोटी बहन बड़ी बहन पे हाथ नहीं उठाती। रंगने हार जाएगा मैंने कुतिया तुम्हारे सामने दुखा। Thank you.
छोड़ कर तो जा रही है, लेकिन दीदी क्या रे? मैं जाते जाते कह रही हूँ, क्या बोल के जा रही है? मेरा बेटा अपने पिता जी का कभी नहीं कर सकता। रंडी हर जाई, तू अपनी जान बचा के भाग, अपने तू बेटा बिना